भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। नमस्कार, बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है ये हम आपको घोषित करेंगे, और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर। ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर।
लोक जनशक्ति पार्टी, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।